राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है निशु देशवाड़ के ऊपर होगी। इनकी जो पूरी बायोग्राफी आपको बताऊंगे, जिस तरीके से जो है लाखों रुपये कमाता था, वहीं जो मौत का कारण बन गया। चर्चित यूट्यूबर ब्लॉगर टोचन किंग के नाम से मशहूर, 6 माह का जो है बेटा पीछे छूट गया, 22 साल का था मृतक निशु देशवाड़। गाँव कुराड़ का रहने वाला था और सोमवार को अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे रेल बनाने के लिए गया था। निशु देशवाड़ एक स्टंटमैन था। 12वीं की पढ़ाई के बाद जो उन्होंने स्टंटमैन बनने की ठानी। स्टार्टिंग में वह जो है शुरुआत में वह जो है मोटरसाइकिल से जो है स्टंट करता था। उसके बाद वह जो है ट्रैक्टर का शौकीन बन गया। धीरे धीरे वह जो है जॉन डियर से स्टंट करने लग गया। उसके बाद जो है उसने एक ट्रैक्टर और ले लिया स्वराज। महीने में जो है 10 लाख रुपए के जो है टायर मंगवाता था। बड़े बड़े टायरों का जो है शौकीन था। बड़े टायर जो है उसकी मौत का जो है कारण बने, ये जो आगे वीडियो में भी बताया जाएगा। वह सोशल मीडिया पर जो है अपनी वीडियो डाला करता था। इंस्टाग्राम रील बनाने का उनका काफ़ी कुमार था। 13 लाख के आसपास जो है सब्सक्राइबर थे। उसे जो है अपने जो है इंस्टाग्राम रील बनाने की जो है कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। स्टंटबाजी के चक्कर में जो उसकी मौत हो गई। मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है। युवक सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था और यूट्यूब पर भी चैनल बनाया हुआ था, जिस पर काफ़ी सारे जो है मिलियन में व्यू आते थे। सोमवार को वह दोपहर में यमुना की तलैटी में जो है ट्रैक्टर पर स्टंट करने गया था अपने दोस्तों के साथ। एक युवक की जो इसमें मौत हो गई, जिसका नाम था निशु देशवाड़। इस दौरान उसके दोस्त जो है उसकी स्टंट की वीडियो बना रहे थे। ट्रैक्टर आगे से उठाकर पिछले टायर पर वह बैलेंस कर रहा था, लेकिन जो है उसने जो मॉडिफिकेशन की हुई थी, शायद जो है उसकी लापरवाही जो है उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसने जो है शायद जो नट लगाए थे मुरगाड में वो टूट गए और टायर बड़े होने की वजह से जो है ट्रैक्टर ज़्यादा खड़ा हो रखा था। अगर टायर जो छोटे होते और कंपनी फिटेड जो ट्रैक्टर होता तो आज वो जो है ज़िंदा होता। ट्रैक्टर जो है पीछे पलट गया और वो जो है पेटी म्यूजिक सिस्टम और सीट के बीच फंस गया, जिससे उसका सिर जो बुरी तरह से कुचल गया और सिर का जो सारा हिस्सा जो है बाहर आ गया और छाती में जो है हैंडल लग गया और हैंडल भी जो है बुरी तरह से मुड़ गया था। हादसा होते ही उनमें जो है अफरातफरी मच गई। दूर से जो वीडियो शूट कर रहे थे उन्होंने जो है निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर में जो है 50 क्विंटल के आसपास जो वजन था। उसके बाद जो है JCB को बुलाया गया। JCB ने जो है 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है उसको बाहर निकाला। तब तक जो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। निशु देशवाड़ का एक छोटा भाई है, उनके पिता जो किसान हैं। ट्रैक्टर जगत को जो है काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। अगर आप जो निशु देशवाड़ को पसंद करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। निशु देशवाड़ जो है एक ऐसा बंदा था जिसने जो है लगभग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यूट्यूबर के साथ जो है काम भी किया है और जो है उनकी जो है मदद भी की है। काफ़ी जो मिलनसार जो स्वभाव का लड़का था निशु देशवाड़। काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं उसकी जो है याद करते हैं और जो है ऐसी छाप छोड़ गया है ये बंदा। शायद ही जो है कोई आने वाले वक्त में जो है ऐसा बंदा हो। गांव कुराड़ का रहने वाला निशु देशवाड़ अपने दोस्तों की जो है जान बन गया था। स्वराज ट्रैक्टर से जो है और जॉन डियर से जो है काफ़ी प्यार करता था। कुछ बंदों का कहना है कि अगर वो उस दिन जो है जॉन डियर लेके चला जाता तो उस दिन जो है उसकी जान बच जाती। तो जॉन डियर ट्रैक्टर अगर वो लेकर जाता तो उसकी जान जो है 100% जो है बच जाती।
क्योंकि जो है जॉन डियर में जो है फिटिंग जो है कंपनी फिटेड था सारा सामान, और जो है स्वराज ट्रैक्टर में जो उसने जुगाड़ लगा करके जो है सारा सामान बनाया था। तो जुगाड़ में और जो है कंपनी फिटेड में जो है काफ़ी फर्क होता है। जॉन डियर में जो उसने फिटिंग की थी उसमें जो कंपनी फिटेड नट उसने जो है यूज़ किए थे, और स्वराज में जो है उसने ऐसे ही जो जुगाड़ लगाया था टेम्परेरी। उसको जो है ये बात याद नहीं थी कि जो उसने जो है जुगाड़ लगाया हुआ है, क्योंकि उसने जो है एक इंटरव्यू में बताया भी था कि जो ट्रैक्टर ऊपर उठने के बाद जो है दिमाग 30% ही जो है काम करता है, और ट्रैक्टर में जो है क्या चीज़ हुई है ये जो है याद नहीं रखता, और उसके साथ जो है यही हुआ। निशु देसवाल जो है उस दिन एक हाथ से जो फ़ोन भी चला रहा था, जैसा कि जो आप वीडियो में भी जो है देख सकते हो। ट्रैक्टर की जो है रग रग से जो है वह पिकता, लेकिन जो है नट ने जो है धोखा दे दिया। निशु देसवाल को जो है ज़रा भी जो है अंदेशा नहीं था कि जो है उसके साथ ऐसा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि उसने जो है इससे ज़्यादा खतरनाक स्टंट जो है चुटकियों में करता था। उसकी जान जो है अगर जॉन डियर ट्रैक्टर होता तो बच जाती। टायर जो है हालांकि जॉन डियर में भी बड़े थे, लेकिन जो है उसके जो है यू पाइप आरओपीए सिस्टम जो है बहुत ही मजबूत था। आरओपीए सिस्टम जो स्वराज का भी जो मजबूत था जो खड़ा नहीं, हालांकि जो नट ने जो उनको धोखा दे दिया। 8 नट की कीमत जो है उसको अपनी जान देकर जो है गंवानी पड़ी। भविष्य में जो है कोई भी स्टंट ना करे उसके लिए जो है ये वीडियो एक सबक भी है। इससे पहले जो है सुखमन 575 जो है 101 हादसा हुआ था पंजाब में, जिसके बारे में जो है निशु देसवाल ने स्टंट के बारे में टिप्पणी भी की थी कि वो आगे जो स्टंट छोड़ देगा, और जो उन्होंने स्टंट छोड़ भी दिए थे। लेकिन जो है ओणी को जो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन वो जो है स्टंट करके जो है दूर जा चुका था, 500 मीटर के करीब जो है वो गांव की तरफ लौट चुका था। उसे जो है दोबारा बुलाया गया, उसका ट्रैक्टर जो है धस गया था, और वहां पे वो जो स्टंटबाजी कर रहा था। गांव का नाम जो है तामसाबाद था। वीडियो बनाने से पहले जो है निशु देसवाल ने खुद जो है बात स्वीकार भी की है कि हम जो एक बहुत ही ज़्यादा जो खतरनाक जगह पर जो है आए हुए हैं, और वहाँ पर जो है 2 किलोमीटर के एरिया में जो है कोई भी कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन उससे पहले भी जो है वे स्टंट करके वहाँ से आए थे, लेकिन बाद में जो है दूसरे दिन वे दोबारा से जो वहाँ गए। ट्रैक्टर को जो उसने धो लिया था, धोने के बाद जो है फैंस के लिए उसने दोबारा स्टंट करने के चक्कर में जो है उसकी जो है मृत्यु हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ। नए जो है चेहरों के लिए जो स्टंट करते हैं उसके लिए काफ़ी बड़ा सबक है, हालांकि जो है आपको स्टंट कर देना छोड़ देना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी जो निशु देसवाल भाई के लिए जो है शब्द जो है ज़रूर लिखें। आने वाले टाइम में जो है कुछ यूट्यूबर और भी जो है उठ रहे हैं, उनके लिए भी जो है एक सबक है कि आप जो स्टंट करना छोड़ दें। निशु देसवाल जो है एक फेमस जो है सोशल मीडिया स्टार था। व्लॉगिंग के अलावा जो है ये जो है ट्रैक्टर की वीडियो भी बनाता था। टोचन किंग के नाम से जो है मशहूर था। इसका जन्म जो है सन 2002 में हुआ था। गांव का नाम जो कुराड़ था।
आपको जो है हर जगह जो इसकी वीडियो मिल जाएगी। 5 फुट 9 इंच जो है हाइट थी, 62 किलोग्राम जो है वजन था। उस दिन दा सिंगर जो है इनका खासा बड़ा चार था। मेटरल स्टेटस की बात करें तो ये मैरिड था, अभी 1 साल पहले जो इनकी शादी हुई थी, और इनका जो 6 महीने का जो है लड़का भी है। निशु देशवाड़ पर जो है ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है, उड़ान भरनी तो जो है अभी बाकी है, क्योंकि ये बंदा जो है अभी भी जो है इसको फेम मिला है, और जो है 2 लाख के करीब जो है इसकी कमाई थी। इसके अलावा जो खेती करता था। बात करें जो है उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी जो है पहले ही कर दी थी। उसका कहना था कि जब भी जो है उसकी मौत आए या आएगी तो जो है ट्रैक्टर पर ही आएगी, और जो उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, क्योंकि जो उसकी ट्रैक्टर जो है मौत पर हुई, मौत जो है ट्रैक्टर पर ही हुई थी। द लास्ट राइड के नाम से जो उनकी एक पहले वीडियो भी आई थी, उसके दोस्तों के नाम जो है सोनू, और जो है हादसों में वो पहले भी जो कई बार बच चुका था, पहले भी जो है उसका ट्रैक्टर एक बार जो बीच में से टूट गया था, लेकिन उस टाइम जो उसके पास जॉन डियर ट्रैक्टर था जो उसके लिए काफ़ी लकी था। जॉन डियर ट्रैक्टर ने जो उसको कभी धोखा नहीं दिया। स्वराज ने जो है उसको पहली बार में जो है धोखे में मार दिया। थोड़ी सी लापरवाही जो है उसकी जान पर बनाई। एक्सीडेंट होने के बाद जो है 1.5-2 घंटे के बाद जो है निशु देशवाड़ को ट्रैक्टर से निकाला गया। ट्रैक्स मशीन के द्वारा जो है निशु देशवाड़ के ट्रैक्टर को जो सीधा किया गया। निशु देशवाड़ की जो है मौत सिर पे चकने और जो छाती में चोट लगने से हुई है, हालांकि जो है उसका पोस्टमार्टम जो है नहीं करवाया गया, क्योंकि डॉक्टरों ने जो है जवाब दे दिया था जाते ही कि इसकी जो है मृत्यु हो चुकी है। कई यूट्यूबर जो है गलत जानकारी भी फैला रहे हैं कि निशु देशवाड़ को जो है हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। गांव का नाम जो है तमसाबाद है, जो उसके गांव से 4 किलोमीटर दूर है। उसको जो है पहले भी जो है उसके घर वालों ने कहा था कि यमुना का जो है कोई भरोसा नहीं। आस पड़ोस के जो है गांव वाले भी कहते हैं यमुना जो है आदमी को निगल जाती है। बड़े टायर होने की वजह से जो है टायरों के नीचे जो है रेती थी, रेत का जो है बादशाह था, रेत और मिट्टी में जो है पहले ट्रैक्टर चला चुका था, रेती में जो है ट्रैक्टर से स्टंट पहले भी कर चुका था, लेकिन जो है ये उसका काल उसको बुला रहा था, क्योंकि जो है ट्रैक्टर जाने के बाद भी जो है 500 मीटर वो दोबारा मोड़ के लिया है ट्रैक्टर को। उसको जो है बचाने की जो खूब कोशिश की गई, लेकिन जो सभी कोशिशें जो फेल हो गई। वीडियो आपको जैसी भी लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और निशु देशवाड़ के लिए जो है RIP लिखें निशु देशवाड़, जो जितना प्यार करता है वो कमेंट करें। निशु देशवाड़ ने जो है YouTube के पैसे से 5-5 लाख के जो है टायर भी मंगवाए थे, जो उसकी जो मेहनत के पैसे थे। उसके अलावा जो है यूट्यूब से उसने जो है काफ़ी फेम पाया था।
हर गांव, हर मोहल्ले, हर जो है गली में उसकी जो है पहुंच बन गई थी। टोचन किंग के नाम से जो मशहूर था। जब भी कहीं जाता तो वहां जो है भीड़ लग जाती थी। उसकी जो काफ़ी बातें जो हैं अच्छी भी हैं। जितने भी पैसे जो है वो जीतता था कंपटीशन में, वो जो है उसी गांव के जो है गौशाला में जो है दान कर देता था। वह सिर्फ जो है नाम कमाने का आदि था, पैसे की जो उसको कोई भी जो है भूख नहीं थी। YouTube से जो उसने थार गाड़ी भी ली थी, उसके अलावा जो एक स्वराज 855 लिया था अभी, और जो है जॉन डियर जो है ट्रैक्टर 50-50 डी जो उसके पिताजी जो है जसवीर ने उसको दिया था। खेती के अलावा जो है वो स्टंट करता था। ट्रैक्टर टोचन की जो है अलग अलग तरह की जो है वीडियो डालता था, अपने ट्रैक्टर में अलग अलग तरह की जो है मॉडिफिकेशन करता रहता था। टर्बो वगैरह भी जो उसने अपने ट्रैक्टरों में लगवाई थी। 50-50 HP के ट्रैक्टर को जो है 100-100 HP के ट्रैक्टर जो है बना रखे थे। ट्रैक्टर में जो है ज़्यादा पावर होने की वजह भी जो है एक तरह से माने तो उसकी डेथ का जो है कारण बना। जहाँ जो है 16 के टायर जो आते थे, वहाँ जो है 21-21, 22-22, 23-23 अलाइंस के टायर जो है डाल करके वो स्टंट करता था। लापरवाही जो है काफ़ी वो करता था, लेकिन जो है अपनी तरफ से वो जो 100% जो है देखता था। बात करें तो आने वाले टाइम में जो है ऐसा स्टंटमैन जो है बिल्कुल जो है नहीं मिलेगा। जोनी जो है उसका दोस्त एक बार जो है पुल पर जो है तेज गति से स्टंट कर रहे थे। उस टाइम जो है जॉन डियर ट्रैक्टर था, जोनी जो है टायर के नीचे आने से जो है बाल बाल बच गया था। जोनी भी जो है उसी के गांव का रहने वाला है। सोनू जो है सोनू मलिक है, उसके जो है काफी सारे दोस्त थे जो स्टंट में जो उसका साथ देते थे। उसने जो अपना एक ग्रुप बना दिया था, उसके YouTube चैनल का नाम जो है HRPB ट्रैक्टर टोचन था।